आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया गया है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्रमशः 9 मीटर स्क्वायर व 36 मीटर स्क्वायर है। यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई 2.4 मीटर है तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अर्थात माना दो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में दिया गया है कि ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के व ऊंचाई दी गई है, तो ऊंचाई माना ए डी व पी एस जिसका मान 2.4 दिया गया है और हमें पी एस का मान ज्ञात करना है। तो अब हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों में उनका क्षेत्रफल का अनुपात, उनकी संगत भुजाएं या ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर एडी स्क्वायर प्लस पीएस स्क्वायर होगा। तो हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 9 बटा 36 बराबर एडी का मान 2.4 का वर्ग बटा पी एस का वर्ग। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर 9 × 36 तो बराबर 1/4, वर्गमूल लेने पर 1/2 बराबर 2.4 बटा पी एस, तो वज्रगुणन करने पर पी एस बराबर 2 × 2.4 बराबर 4.8 मीटर। तो हमें पी एस का मान 4.8 मीटर प्राप्त होता है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।